क्रिकेट का रूल्स DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम का यूज तो आपने खूब देखा होगा। इस रूल का नाम भले ही क्रिकेट डिक्शनरी में डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है, लेकिन क्रिकेट फैंस इस रूल को धोनी रूल सिस्टम के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने भी DRS का फुल नेम धोनी रिव्यू सिस्टम ही सुना होगा। आखिर क्या और कैसे धोनी DRS के सबसे खतरनाक इम्पैक्ट बने? इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और दिग्गज विकेट कीपर बैटर रहे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेम प्लानिंग सटीन DRS लेने के स्किल से वर्ल्ड क्रिकेट को प्रभावित किया है। विकेट के पीछे रहकर कैसे धोनी पूरे मैच का रुख बदल देते थे, ये हम सब ने तो खूब देखा है। माही को कैसे फील्डिंग सेट करनी है और गेंदबाज से कहां गेंद करानी है, ये सब धोनी बखूबी जानते थे। इसलिए एमएस धोनी को गेम चेंजर भी कहा जाता है। धोनी की कैप्टनसी स्किल्स और ग्राउंड में उनका गेम प्लान ही कुछ ऐसा रहा कि इसमें कोई अनजान नहीं है। DRS में तो धोनी को महारत हासिल हो चुकी थी, जिसे लेकर एक इंडियन अंपायर ने बड़ी बात कही। इंडियन अंपायर ने बताया कि कैसे धोनी के DRS लेने की सटीकता को सबसे अलग माना जाता है। उन्होंने ये तक माना कि अंपायर भी कभी कभी धोनी के DRS लेने की क्षमता से हैरान रह जाते थे। इंडिया के अंपायर अनिल चौधरी ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कीपर पीछे रह जाता है, भले ही वो गेंदबाज की स्थिति को ना देख पाए, लेकिन इस मामले में धोनी काफी समझदार थे। धोनी के फैसले अचूक नहीं होते थे, शायद उनका कोई फैसला गलत होता था, जिसके चलते मैदान पर उनकी छवि और मजबूत हो गई थी। इस अंपायर की बात को आप कितना सहमत करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।